रखिए। आई एम शेखर दलाल फ्रॉम सीबीआई। लेट्स कम टू द पॉइंट। 5,000 करोड़ कहां छिपा रखे हैं? स्विस बैंक में। खामोश रहने से शक यकीन में तब्दील होता है। कहां है पैसे? उनसे पूछे जिन्होंने पैसों की चोरी की है। लेकिन इस जुर्म के लिए आपको अदालत ने मुजरिम ठहराया है। तो उनसे पूछे जिन्होंने हमें इसमें फंसाया है। ओ, ज्यादा होशियार बन रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सच कह रहे हैं। आपके पिताजी के गुजरने से पहले उनकी आखिरी बार बात आप ही से हुई थी। जैसे ही आपको पासवर्ड मिला, आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया, फिर बड़ी चालाकी से अपने खाते में सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। नहीं, चिल्लाकर बोलने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता, ये मत भूलिए। सीबीआई, जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाएंगे और सच उगलवाएंगे। हमसे क्या कबूल करवाएंगे? 2009 सत्यम फरेब, 100 से ज्यादा इंक्वायरियां बैठी, 400 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये है आपका सिस्टम। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हूबहू मुल्क की आवाम को 1,75,000 करोड़ का झटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? बेगुनाहों को पकड़कर बड़े पहाड़ खोदते हैं आप, लेकिन उसमें से चूहिया भी नहीं निकलती। खैर ये सब रहने दे। जय जवान घोटाला, आप पिछले 3 साल से तफ्तीश कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिन, 3 दिनों में हमने उनका पर्दाफाश करके अपने जवानों को उनका हक दिलवा दिया था। बिना सीबीआई की मदद के गुनहगारों को सजा दिलवाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये है हमारा सिस्टम। सीबीआई, हुकूमत के मातहत मुलाजमत करने वाले आप लोग और हुकूमत से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। श्रीमान, आप अपने हद पार कर रहे हैं। आपने तो इस मामले में अब जाकर तहकीकात शुरू की, लेकिन हम अपनी तफ्तीश काफी पहले ही कर चुके हैं। सो डोंट ट्रबल द ट्रबल। इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रूथ। जीजा जी, वो कमबख्त फौत हो गया। अरे क्या कह रहे हो, ये सच है क्या? लीजिए लीजिए, आज हम बहुत खुश हैं। जाओ जाकर सबको मिठाई बांटो। नहीं 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 नहीं, आज तो जश्न होगा जश्न। बद्री प्रसाद आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ से आजाद होने का यही बेहतरीन मौका है। जनाब बड़े खुश लग रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारी खुशी का कोई मयस्सर नहीं। तो बताइए क्या चाहिए आपको? जनाब हमें अपने अहलो अयाल की फिक्र हो रही है, अगर आप हमें इजाजत दें। अच्छा, तो ये मामला है। ए, ए, इन दोनों को 50,000 देकर बेइज्जत करके घर पहुँचा। सुने सुने, बाहर निकलने तक जुबान बंद रखना। क्या करना, फूसी चल रही है। घर का पता पूछ रहे थे। अच्छा एक बात और, जब कभी आपको याद करें तो आपको फौरन चले आना होगा। अरे पैसे दो, भेजो इन्हें। लाइए जी लाइए, रकम बड़ी है, बड़ी से शॉल में लपेट लीजिए। जल्दी करें। अरे चिरा घुस गया नहीं हमारी जिंदगी से, आप बच जा रही हो। अरे ऊपर वाले जल्दी से मुझे बचा ले। ओ, अरे सुन आई जी को फोन कर, जल्दी फोन कर। अरे जल्दी फोन लगाना। ठीक, तुम क्या मुंह ताक रही हो? अरे जाओ ना, चुप। जी जी, फोन बज रहा है। अरे वो जेलर के बच्चे, बताओ श्रीमान फौत हुए कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं मतलब गई भैंस पानी में, हमारी मिट्टी उठने की नौबत आ गई है। आपको शर्म नहीं आती खबर देते हुए? जस्ट मिस्ड। श्रीमान नारायण अभी हॉस्पिटल में है, सिक्योरिटी टाइट है, अगर खुद से मर गए तो बेहतर, वरना हम मार डालेंगे उसे। अगर उनका काम तमाम नहीं हुआ तो आपका काम तमाम हो जाएगा। हाँ सारे के सारे मुफ्त खो रहे। अरे ये
दोनों पंडित क्या गायब हो गए? वो दोनों अपनी जोरों से मिलने चले गए, उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। ऊपर वाले के नाम पर आप हमें बख्श दें। हमारी और पड़ोस की बीवियां दुआएं दें। हमें छोड़कर जा रहे थे, हमारे सर पर मौत ना चली, इन्हें बीवियों से मिलने की पड़ी है। हमारे लिए जल्द से जल्द लंबी उम्र का अमल करेगी, हम 100 साल तक ना मरे। फिक्र मत कीजिए, हमारे उस्ताद जी हैं, अंजाम हम देंगे तो तुम घंटा बजाओगे। अच्छा हुआ आप पहुंच गए, आइए आइए बैठिए। डॉक्टर श्रीकांत नजर नहीं आ रहे। हेलो डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद पिछले 3 दिनों से अपने अस्पताल नहीं गए। उनके अपने कई गेस्ट हाउस हैं, फिर भी आईजी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। उनके लिए हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हेलो हेलो श्रीमन नारायण, हे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भौंके नहीं, चिल्लाए तो आपकी खोपड़ी उड़ जाएगी। अगर खामोश रहे तो कम से कम 5 मिनट जिंदा रह पाएंगे। हे, आप एक डॉक्टर है ना, स्टेथोस्कोप को जब सीने पर लगाते हो तो क्या सुनाई देता है? धड़कन। धड़कन समझने के लिए दिल चाहिए होता है, जो आप में नहीं है। हमारे पापा हमेशा उन किसानों की फिक्र में लगे रहे जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हीं के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ जमा किए। कमजर्फ गरीबों के हक का पैसा खाकर कोई चैन से नहीं जी सकता, समझ गए? आपको क्या लगा किसानों की कमाई के पैसों को आप ऐसे ही हजम कर लेंगे? पासवर्ड कहें? बताएंगे तो आप गोली चला देंगे। नहीं बताएंगे तो गोली चलेगी। बताते बताते बताएं। नंबर 9। आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हैं। बताते बताते नंबर 4। मगर आप शूट तो नहीं करेंगे ना? हाँ, श्रीमन की मौत हो गई ना? जी नहीं, श्रीकांत की मौत हो गई। हमारा माल खाकर हमसे दगाबाजी। आपको श्रीमन को खत्म करने के लिए भेजा था और कह रहे कि हमारा बंदा मारा गया। हो रहा है कि तुम कहीं श्रीमन से तो नहीं मिले हुए? गैस सिलेंडर ले जाने वाली एक लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधे गेस्ट हाउस में दाखिल हो गई। डॉक्टर श्रीकांत की मौत सिलेंडर के फटने से हुई है और आप लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लेटे हुए आदमी ने उनका खून किया है और आप लोग हम पर शक कर रहे हैं। यहां के आईजी होने का आपका क्या फायदा? मैनेजर और डॉक्टर की हिफाजत नहीं कर पाए? श्रीमन की हॉस्पिटल से छुट्टी कब हो रही है? कल तक। पहले हमारी हिफाजत का इंतजाम करें। अगर श्रीमन की हर चाल पर नजर रखनी है तो उसके कैदखाने की कोठरी में CCTV लगवाएं। देर रात को सिलेंडर से लदी एक लॉरी ब्रेक फेल होने की वजह से सीधा आईजी मार्कर के बंगले में जा घुसी। ब्रेक्स फेल होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई सी। इस हादसे में मशहूर डॉक्टर श्रीकांत की मौत हो गई। राजेंद्र सर, कातिल ने कुछ देर पहले हमें कॉल किया था। बेहतर। कह रहा था कि डॉक्टर को आईजी के गेस्ट हाउस में महफूज रखा गया है। जी बेहतर। उसकी बातों से लग रहा था कि उसका अगला टारगेट आईजी ही है। हमें होशियार रहना होगा। लेट्स मूव। भाई जान बेकसूर हैं और वो बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। जिस रोज आप लोगों की शादी तय हुई ना, यकीन मानिए उसी रोज आपकी शादी होगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मातंड। हाँ मिस्टर दलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखें। शुक्रिया। आईजी साहब, आप डॉक्टर साहब को कैसे जानते हैं? बस दोस्ताना था। कब से? साल भर हो गया। क्लब में मुलाकात हुई थी। पिछले 3 दिनों से वो आपके गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? जान को खतरा है कह रहे थे। किससे? नहीं जानते। हिफाजत पर तवज्जो क्यों नहीं दी? उन्हें कबूल नहीं था। फिर जाती सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अब इल्म नहीं। 3 दिनों से आपके गेस्ट हाउस में जाती सिक्योरिटी थी और आपको इल्म नहीं? हम अपने काम में मसरूफ थे।
कल आप गेस्ट हाउस गए थे, फिर बाहर की जाती सिक्योरिटी आपने देखी नहीं? कल गेस्ट हाउस नहीं, क्लब में था। कल गांधी जयंती थी, क्लब तो बंद था। फंस गए यार। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और बैंक मैनेजर राजन मूर्ति बड़े अजीज थे। इल्म नहीं, आप और राजन मूर्ति हमारा ताल्लुक नहीं। ठीक है, बेहतर। श्रेया नजर डालिए।